क्या दिल्ली में लगने वाला है लॉकडाउन? जी हाँ, ये सवाल आज एक बार फिर से हर किसी के जहन में उठ रहा है। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसको देखते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई। साथ ही साथ केंद्र सरकार को ये कहा कि दिल्ली में 2 दिन के लॉकडाउन पर विचार करें, क्योंकि दीपावली के बाद से कई राज्य जो हैं, कई जगह जो हैं, कई इलाके जो हैं, कई क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। और उसको देखते हुए AQI लेवल जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, आज अगर नोएडा की बात की जाए तो वहाँ पर AQI लेवल 700 तक पहुँच गया। यानी कि इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा चिंताजनक है और प्रदूषण का जो लेवल है वो बेहद ही गंभीर बना हुआ है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये फटकार लगाई गई केंद्र सरकार को। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, दिल्ली के आसपास पंजाब हरियाणा जैसे इलाकों में जिस तरह से पराली जलाई जाती है उसको लेकर भी सवाल पूछा गया कि क्या सिर्फ दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है पराली ही उसकी वजह है। लेकिन एक बार फिर से हर किसी के जहन में सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली में 2 दिन का फिर से लॉकडाउन लगेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कई समय से हम देख रहे हैं, 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, जब जब दिल्ली आसपास के इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो लॉकडाउन लगा दिया जाता है। लेकिन अब क्या बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए भी दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि क्या लॉकडाउन ही हर चीज़ का समाधान है? क्या जब जब कोरोना के मामले बढ़ेंगे तब तब लॉकडाउन लगेगा? क्या जब जब प्रदूषण होगा तब तब लॉकडाउन लगेगा? इससे लोगों को भी तमाम परेशानियाँ होती हैं, लोगों को भी तमाम दिक्कतें होती हैं। इसीलिए आज एक बार हर किसी के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई सोमवार को होगी, उस पर देखना होगा कि क्या कुछ केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब रखे जाते हैं और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कहती है। क्योंकि आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, केंद्र सरकार को फटकार लगाई, साथ ही अपने सख्त तेवर दिखाए, ऐसे में आपको ये भी बता दें कि CJI ने ये तक कहा कि दिल्ली की आबोहवा इतनी खराब हो चुकी है कि घरों में रहने पर भी मास्क लगाना पड़ता है। जी हाँ, अगर दिल्ली ही नहीं आसपास के इलाकों की बात करें, आगरा की बात की जाए, गाजियाबाद की बात की जाए, तो वहां प्रशासन की तरफ से लोगों को घरों में रहने की ही हिदायत दी जा रही है ताकि लोग घर से बाहर ना निकले। साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखने की सलाह यहां पर दी जा रही है। लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर क्या कुछ किया जाएगा।